हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। आज हम चलेंगे मंगलदास मार्केट, जो कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जिसको पहले VT भी बोला जाता था, वहाँ है। तो आप कोई भी लोकल ट्रेन से VT यानी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पहुँच सकते हैं। और जैसे ही आप स्टेशन से बाहर निकलेंगे, आपको रोड क्रॉस करना है और वहाँ से हम सीधे सीधे चलते जाएंगे। तो मंगलदास मार्केट जो है वो स्टेशन से अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो हम चलते चलते मंगलदास मार्केट जा रहे हैं। ये है हज हाउस और ये है सर JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स। सो ऑन द वे भी आपको स्ट्रीट शॉपिंग करना हो तो काफ़ी कुछ वैरायटी देखने मिल जाएंगे, जैसे कि बैग्स है, स्टेशनरी आइटम्स है एंड आपको फ़ोन कवर्स मिल जाएंगे। आपको ब्लूटूथ सेट लेना है तो वो भी मिल जाएगा। तो हम ये मंगलदास मार्केट में आ चुके हैं। सो फ्रेंड्स, आपको मंगलदास मार्केट में सब कुछ मिल जाएगा। आपको ड्रेस मटेरियल मिलेंगे, ज्वेलरी मिलेंगे, स्टेशनरी आइटम्स मिलेगा, कॉस्मेटिक्स मिलेंगे। तो ओवरऑल यहाँ सब कुछ है। ज्वेलरी के अगर आपको ख़रीदना है तो आपको मंगलदास से सीधे थोड़ा देर स्ट्रेट चलते जाना है और आप पहुँच जाएंगे जवेरी बाज़ार में। तो जवेरी बाज़ार में भी ज्वेलरी का होलसेल मार्केट है। अगर आपको ज़्यादा लॉट में ख़रीदना है, ज़्यादा होलसेल मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदना है, तो आप थोड़ी और स्ट्रेट अगर चल के जाओगे 5 to 10 minutes के डिस्टेंस में भुलेश्वर मार्केट है। भुलेश्वर मार्केट में आपको और ज़्यादा चीप रेट्स में मिल जाएगा, बट वहाँ द ओनली रिक्वायरमेंट इज़ कि आपको वहाँ ज़्यादा क्वान्टिटी में लेना होगा। तो अब हम चलते हैं मंगलदास मार्केट के अंदर। मंगलदास मार्केट में आपको हर तरह की फैब्रिक्स मिलेंगे। अगर आपको फैब्रिक कट पीस लेना है तो वो भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको एक प्रॉपर ड्रेस मटेरियल लेना है तो ड्रेस मटेरियल मिल जाएंगे आपको। अगर आपको वेस्टर्न के ज़्यादा शॉप्स नहीं हैं, ज़्यादा करके आपको यहाँ साड़ीज़ के शॉप दिखेंगे, लहंगा दिखेगा, ड्रेस मटेरियल दिखेंगे, फैब्रिक्स के कट पीस के शॉप्स मिलेंगे। देन आपको दुपट्टा, आपको एक स्पेशल अलग से दुपट्टे का शॉप भी मिलेगा। आपको वेडिंग वेयर मिल जाएगा, बट वेस्टर्न के हार्डली आपको एक या दो शॉप्स मिलेंगे। फ्रेंड्स, ये मंगलदास मार्केट बहुत ही लार्ज है, बहुत ही बड़ा है। सो आई विल एडवाइज़ कि पहले पूरा मार्केट अच्छे से घूम लो। बहुत सारे आपको यहाँ ड्रेस मटेरियल, बहुत सारे फैब्रिक्स, बहुत सारे दुपट्टा, लहंगा, साड़ीज़ के बहुत सारे वैरायटी दिखेंगे। तो पहले अच्छे से हर एक लेन घूम लो, हर एक वैरायटी देख लो। यहाँ आप देख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप अगर किसी शॉप में रुकते हो तो आपको लेना ही है। तो आप देख सकते हो, आप प्राइस पूछ सकते हो, आप प्राइस कंपेयर कर सकते हो और फिर ही आप ख़रीदो। अदरवाइज़ ऐसा ना हो जाए कि ख़रीदने के बाद आपको लगे कि वो ज़्यादा अच्छा था। सो जैसे मंगलदास मार्केट के बाहर आएंगे और 5 मिनट्स के डिस्टेंस पे स्ट्रेट आपको जवेरी बाज़ार नज़र आएगा। जवेरी बाज़ार के स्टार्टिंग में ये एक जूस का स्टॉल है, जो बहुत ही पुराना स्टॉल है। ये आपको आर्ट ज्वेल शॉप के सामने एग्जैक्टली ऑपोजिट मिल जाएगा। तो अगर आप कभी भी मंगलदास मार्केट आना हुआ तो यहाँ से जूस ज़रूर पीना, इट्स एडवाइजेबल। फिर यहाँ से अगर आप स्ट्रेट चलते हुए सीधे चले गए तो आपको थोड़ी ही दूर में दिखेगा भगत तारा चंद। ये भी मंगलदास मार्केट मुंबई का सबसे पुराना और सबसे अच्छा रेस्टोरेंट है। तो अगर आपका कभी भी मंगलदास मार्केट आना हुआ तो यहाँ का खाना ज़रूर टेस्ट करना। तो हम भगत तारा चंद से स्ट्रेट चलते हुए जा रहे हैं भुलेश्वर मार्केट। सो भुलेश्वर मार्केट में भी आपको ज्वेलरी का होलसेल मार्केट मिल जाएगा, जहां आपको बहुत सारी वैरायटी मिलेगी और वो भी बहुत ही रीज़नेबल कॉस्ट में। तो हम जा रहे हैं यहाँ से स्ट्रेट, अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट्स का डिस्टेंस है, ये हम पहुँच गए भुलेश्वर मार्केट। और
ऑफिस वेयर, वेडिंग वेयर, आपको जिस टाइप की ज्वेलरी चाहिए आपको वो मिल जाएगा। और अब हम ये रुके हैं भगत तारा चंद में लंच करने के लिए। तो जैसे कि मैंने बोला था कि ये 1895 में एस्टेब्लिश्ड है और ये मुंबई का सबसे पुराना और सबसे फेमस रेस्टोरेंट है। तो अगर आप कब यहाँ आए तो भगत तारा चंद में द फेमस डिश इज़ पापड़ चूरी। तो आप पापड़ चूरी ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी होता है। तो हमने मंगाया है पापड़ चूरी और वेज कोल्हापुरी एंड बटर रोटी एंड वन बॉटल छाछ। छाछ यहाँ का बहुत ही फेमस फूड आइटम है। तो आप कभी अगर भगत तारा चंद आओ तो डोंट मिस द छाछ। अब मैं बताऊंगी आपको मेरी शॉपिंग लिस्ट। ये है मेरा फर्स्ट ड्रेस मटेरियल जो कि नेवी ब्लू कलर का है और ब्यूटीफुल सा वाइट एम्ब्रॉयडरी है। दिस इज़ द सेकेंड वन, कॉटन का है, ब्लैक एंड वाइट, इस बहुत ही ब्यूटीफुल इसमें प्रिंट है। देन दिस इज़ द डायमंड बैंगल्स, ये जो डायमंड बैंगल्स मैंने ख़रीदे हैं। और ये है कुंदन का ईयरिंग्स, कुंदन के टॉप्स जो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिले हैं फ्रेंड्स। दिस इज़ अ सेकेंड ईयर रिंग एंड दिस इज़ अ थर्ड वन। ये सारी ईयर रिंग्स मुझे मिले हैं 150 to 350 के रेंज में। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल ग्रीन कलर ड्रेस, ये इसका कॉटन सलवार है और ये इसका कॉटन दुपट्टा है। तो ये मुझे मिला है 650 रुपीज़ में, 650 रुपीज़ में। लेकिन आप प्लीज़ बार्गेन करो, शॉपकीपर्स बोलेंगे आपको कि फ़िक्स रेट है, बट स्टिल ट्राई टू बार्गेन, थोड़ा बहुत तो कम कर ही देते हैं। एंड दिस इज़ द नेक्स्ट ड्रेस जो ब्लू कलर का है एंड ये है मस्टर्ड येलो। ये भी ये मुझे मिला है अप्रॉक्सीमेटली फॉर 1200। सो ये इसका सलवार है जिसका हम पैंट या प्लाजो सिला सकते हैं और ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टा भी बहुत ही खूबसूरत है। एंड दिस इज़ द टॉप विथ स्लाइट वर्क ऑन इट। सो मंगलदास के जो ड्रेसेस है उसके शाइन भी जल्दी बहुत देर तक टिकते हैं, इवन फॉर द बैंगल्स एंड ईयरिंग्स मैं ये बोल सकती हूँ। दिस इज़ माय फेवरेट कलर, ब्लैक कलर। सो ये ब्लैक टॉप है और इसमें है रेड डिज़ाइनर दुपट्टा। सो दिस इज़ द टॉप, इसमें हैंडवर्क किया गया है, ऐसा मुझे शॉपकीपर ने बोला, हैंडवर्क है और ये दिख भी बहुत खूबसूरत रहा है। एंड ब्लैक इज़ ऑलवेज ब्यूटीफुल। द नेक्स्ट इज़ द ग्रीन, ये सिल्क का है। इस ड्रेस में मुझे सबसे प्यारा जो लगा वो है इसका दुपट्टा। तो मैं आपको इसका दुपट्टा बताती हूँ, इसका दुपट्टा बहुत ही खूबसूरत है। ड्रेस में ज़्यादा वर्क, ज़्यादा क्या, कुछ भी वर्क नहीं है, बहुत ही हल्का सा वर्क है ड्रेस मटेरियल में, बट द दुपट्टा इज़ वेरी ब्यूटीफुल, लुक एट द दुपट्टा। सो इसका दुपट्टा मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये रहा ये खूबसूरत सा दुपट्टा और ये इसका टॉप है जिसमें इतना सा ही वर्क है, जितना दिख रहा है उतना ही वर्क है। और ये इसका सलवार है। सो सलवार और टॉप दोनों का फैब्रिक सेम है, लेकिन दुपट्टे की वजह से मुझे ये बहुत अच्छा लगा। सो मंगलदास, सो आपको एक बार तो मंगलदास ज़रूर विज़िट करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो। बाय।